के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे सांसद शशि थरूर ने नागपुर में कहा है कि अब पार्टी के साधारण कार्यकर्ता बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता के साथ तो कई बड़े नेता खड़े होते हैं, लेकिन मेरे साथ युवा व आम कार्यकर्ता खड़े हैं, वे बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अधिकार के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी है। अभी तक ऐसा होता रहा है कि एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी दिल्ली से हस्ताक्षर लगते थे, वे मंडल व जिला स्तर तक पदाधिकारियों को असली अधिकार देंगे। थरूर दीक्षा भूमि नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। दलित नेता खड़गे के भी मैदान में उतरने से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे अच्छे नेता हैं, मैंने कर्नाटक में उनके साथ एक वर्ष कार्य किया है, यह सहयोगियों का चुनाव है, कोई जंग नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, हम मित्रता पूर्ण लड़ रहे हैं, उनका भी मैनिफेस्टो है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ नागपुर आना, और इसके लिए दो कारण है कि मेरा प्रथम स्टॉप जो है नागपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद ये हमारा दीक्षा भूमि है, और ये मैं कर रहा हूँ दो कारण के लिए। आपको पता है कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के चुनाव में लड़ रहा हूँ, जिस पार्टी हमारे देश कि दलित विभाग के लिए प्रथम पार्टी थी जो शुरुआत से ही दलितों के अपलिफ्ट के लिए बहुत काम किया। और आपको याद है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, पूरा कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में वो हमारे संविधान लिखने का बड़े जिम्मेदारी ले गए। और दूसरा कारण यह है कि आज है पब्लिकेशन डेट मेरा नया किताब का, और मेरा नया किताब ये है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर की आत्मकथा, अंबेडकर लाइफ। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहर के साथ अभिषेक पांसी, BBCN न्यूज नागपुर।